हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज फिर से हम एक बार आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं, और इस बार जो है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी लेकर आए हैं। क्योंकि जब तक आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए अभी एक प्रोटेस्ट मुहिम भी चलाई गई है मध्य प्रदेश के जितने भी एमपी के जितने भी आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए कि बिजली विभाग हमें भर्ती दो, और हम ये जो मुहिम है इसको जब तक हमारी बात शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती तब तक हम ये मुहिम को हम ऐसा ही चलाते रहेंगे, और ये जो आंदोलन है ये आंदोलन तब तक चलता ही रहेगा। तो हमारा जो आज का जो है डियर स्टूडेंट कि बिजली विभाग भर्ती दो, बिजली विभाग भर्ती दो, ये हमारा आंदोलन है। और ये जो आंदोलन है ये आंदोलन हम चाहते हैं कि लगभग 5 साल से 5 से 6 साल हो गए, और 5 से 6 साल में डियर स्टूडेंट अभी तक आईटीआई वालों की भर्ती नहीं आई है, आईटीआई वालों की भर्ती नहीं आई है, और आज कब आएगी उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो भर्ती है ये भर्ती कब निकलेगी, इसलिए हम मुहिम चला रहे हैं अभी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आईटीआई किए हुए स्टूडेंट है वो भाग लेंगे, ठीक है, ताकि बिजली विभाग में भर्ती आए। ना जेई की भर्ती आई है बिजली विभाग में, ना एलए की आई भर्ती, और ना टीए की भर्ती आई है, ठीक है। तो ये जो आईटीआई करने वाले स्टूडेंट हैं, 1 लाख से कई लाख स्टूडेंट जो हैं खाली पीले बैठे हैं, तो इनके लिए ये भर्ती एकजुट होकर हमें ये मुहिम को ये आंदोलन को चलाना है। डियर स्टूडेंट, मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस मुहिम में भाग जरूर लें, ठीक है। चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे। अब जो है वैकेंसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो भर्ती आई है इसमें देखेंगे, और इस भर्ती में हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये अप्रेंटिस जितने भी स्टूडेंट अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस करने का फ़ायदा यही है कि उसी डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी का एक फ़ायदा मिल जाता है। अप्रेंटिस करने से फ़ायदा ये मिलता है डियर स्टूडेंट कि आपको स्किल्ड लेबर या स्किल्ड पर्सन आपको माना जाता है, आपको अनुभव जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिलता है, ठीक है, जिसमें आप अप्रेंटिस करते हैं। तो ये अप्रेंटिस के माध्यम से आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्रेंटिस करते हैं, तो ये मानकर चलिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, और इसमें साउथर्न रीजन इंडियन ऑयल भवन नंबर 139 उत्तमार गांधीनगर चेन्नई, तो गांधी रोड चेन्नई से, मतलब कि ये आप तमिलनाडु से ये वैकेंसी जारी की गई है। क्योंकि ऑयल के जितने भी आपको इंडियन ऑयल के कारखाने मिलेंगे आपको गुजरात में मिलेंगे, साउथ में मिलेंगे, चेन्नई साइड मिलेंगे आपको, बाकी और इधर तो है नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश में बिना रिफाइनरी है, बस वहीं पर पेट्रोलियम रिफाइन होता है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन अकाउंट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 IOCL साउथर्न रीजन MD, मतलब यहाँ पर ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, और टेक्नीशियन में जो पॉलिटेक्निक किए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल माइनिंग वाले, फिर पेट्रोकेमिकल वाले, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट तो एक चीज़ और है अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ठीक है, ये इन सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। और यहाँ पर स्पेशली बोल दिया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑन द लार्जेस्ट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग इंडिया फॉर ग्लोबल 500 कंपनी, मतलब विश्व में 500 ऐसी कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड IOCL का नाम आता है। डियर स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर लिखा है फॉर द नेशन प्रोसेस टू इंगेज टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस एंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लोकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया तमिलनाडु पुदुचेरी कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये जो है स्टेट इन स्टेट में ये वैकेंसी जारी की गई है। अप्रेंटिस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अलग अलग स्टेट के लिए और अलग अलग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो जारी की गई है। तो पीरियड ऑफ अप्रेंटिस इन मंथ 12 महीने का ही होता है, ठीक है, मतलब 1 साल का होता है, वैसे 1 साल लिखना चाहिए इनके पास, लेकिन वो 12 महीने ही लिखते हैं।
तमिलनाडु वाले और पुदुचेरी वाले जो हैं, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी वाले जिसने आईटीआई किया है, ये आईटीआई के लिए है। तो फीटर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फीटर इलेक्ट्रिशियन कर्नाटका के लिए भी है, आईटीआई किए हुए अलग अलग ट्रेड से यहाँ पर जारी किया गया है। केरला से देखेंगे आप तो केरला में भी फीटर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक और मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट। यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 12, इसमें टोटल पोस्ट है 30, यूआर की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 5 है, एसटी की 0, ठीक है, ओबीसी की 8 है और पीडब्ल्यूडी की 0 है। तो इस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग पोस्ट जारी की गई। ये मानकर चलो तमिलनाडु और पुडुचेरी में टोटल 30 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं स्टूडेंट इसमें? 30। कर्नाटका में 30 पोस्ट है, केरला में 30 पोस्ट है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये भी 30 पोस्ट है। मतलब सभी स्टेट में 30-30 पोस्ट है, सभी स्टेट में 30-30 पोस्ट है। तमिलनाडु में, पुडुचेरी में 30 पोस्ट है। चलिए हम नॉर्थ रीजन वाले हैं, मतलब मध्य प्रदेश वाले, तो एमपी वाले, तो एमपी का रीजन यहाँ पर कहीं दिया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला। तो ये जो है, ये अप्रेंटिस का जो है वो साउथ रीजन के लिए ही निकली है, और आपको वहीं जाना पड़ेगा अप्रेंटिस करने के लिए। तो ये इसमें टोटल दिया हुआ है 226 पोस्ट, ठीक है, टोटल 226 पोस्ट दी हुई है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज 49, 72 और इसमें 15 और 128, ईडब्ल्यूएस की 128, इस टाइप से पोस्ट है। टोटल 226 ये टोटल पोस्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा भैया? स्टाइपेंड लगभग यहाँ पर लिखा होगा 9,000 या 12,000 के आसपास मिलता है, 14,000 भी मिलता है, वैसे IOCL है तो स्टाइपेंड भी अच्छा देगा। इसमें कैंडिडेट क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मोड को इसमें प्रेफरेंस दिया गया है। बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, MBA, MCA, CA, ICWA, LLB शेल नॉट बी कंसिडर्ड बोला इसमें, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन जो बोला गया वही इसमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रहे, यदि ये ITI के लिए है तो इसमें टेक्निकल में बी बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते, MBA वाले फॉर्म नहीं भर सकते, MCA वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ICA वाले ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे फीटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, मशीनिस्ट हो, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ट्रेड और मतलब कि पॉलिटेक्निक और ITI, बस ये दोनों के लिए ही ये भर्ती निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बोला है, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए BBA, BA, BCOM, BSc ये होना चाहिए, ठीक। अब फॉर्म कैसे भरेंगे? तो फॉर्म ये साइट है www.iocl.com अप्रेंटशिप, इस पेज में जाके फॉर्म आप भरेंगे। SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन है वो तो जारी किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें हम तो जनरल इंस्ट्रक्शन में, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कैंडिडेट एडवाइस फॉर द एडवर्टाइजमेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वालिफिकेशन को हम मद्देनजर रखते हुए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब ये इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्राइटेरिया और क्या होना चाहिए, कहाँ पर आप सबसे पहले तो फॉर्म को फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे? तो कैंडिडेट रजिस्टर द टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर द फॉलोइंग पोर्टल अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट एज पर देयर ट्रेड बिलो। तो जो कैंडिडेट हैं वो पहले पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ट्रेड अप्रेंटिस वाले ये जो है साइट में, इस पर्टिकुलर साइट में जाके क्लिक करेंगे तो फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, ITI वालों के लिए अप्रेंटिसशिप india.org कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके है, इसमें होगा, ठीक है। और उसके बाद टेक्नीशियन के अप्रेंटिस के लिए इसमें भी वही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना आप सभी को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एग्जीक्यूटिव जो है उसके लिए भी यहाँ पर वही फॉर्म भरने के लिए उसी पोर्टल में दिया गया है। चलिए ठीक है,
तो तीन हो गए, एक तो आईटीआई वालों के लिए, दूसरा डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, और तीसरा अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। ये तीनों में रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक। तो ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंट एग्जीक्यूटिव जनरल और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, द कैंडिडेट विल नीड टू प्रोवाइड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इनरोलमेंट आईडी इमिडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आफ्टर द कैंडिडेट लॉगिन आईडी जनरेटेड बाय आईओसीएल, आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना होगा जो अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भर के भेज देना है 10 सितंबर 2023 तक, ठीक है। उसके बाद ये कैंडिडेट पीरियोडिकली विजिट, जो वेबसाइट है ये वेबसाइट में विजिट करेंगे आप, फॉर्म भरने की डेट देख लीजिए। फिर जो है आपको हाउ टू अप्लाई में यदि हम जाएँ तो 25 अगस्त 2023 से 10 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म को आपको भर के भिजवा देना भी है, ठीक है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे कैटेगरी वाइज, फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट, फिर रेगुलर मोड वाला इंस्टीट्यूट जो है सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट, रेगुलर मोड वाला जो पासिंग ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा, आईटीआई का एनसीईआरटी का सर्टिफिकेट लगेगा। लास्ट डेट की बात करें हम, चलिए इम्पॉर्टेंट डेट टू नोट। इम्पॉर्टेंट डेट में डेट ऑफ ओपनिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त 2023 को 10 AM पे चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है 30 सितंबर 2023 से उसका रात को 12 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट डिटेल विल बी इंटीमेटेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ऑनलाइन टेस्ट डिटेल के लिए आपके पास जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और ये आईओसीएल की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये तो था आईओसीएल की अप्रेंटिस, यदि किसी को साउथ जोन से करना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आईटीए वाले स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि एमपी वाला नहीं भर सकता, एमपी के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका जो है रीजन जहाँ पर है वहाँ अप्रेंटिस होगा। साउथ रीजन है तो साउथ में अप्रेंटिस होगा, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। तो डियर स्टूडेंट ये तो थे आईओसीएल की जानकारी, और ये आईटीए वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो डियर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, सबको जय हिंद।